मैंने एक सीक्रेट ऐप को यूज करके अपने गेम के अंदर सेंसिटिविटी सेटिंग को सेट किया है और आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले को देख सकते हैं कि मेरी गन से निकलने वाली पहली और आखिरी गोली सीधी एनिमी के हेड पर कनेक्ट हो रही है। मैं आप लोगों को कुछ हेडशॉट क्लिप दिखा रहा हूं जिससे आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि गन से निकलने वाली गोली एनिमी के हेड पर कनेक्ट हो रही है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सेंसिटिविटी सेटिंग को पूरा डिटेल में बताऊंगा और आपके डिवाइस के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोगों को क्या रखना है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी सेटिंग में आपको बताऊंगा। आपके लिए एक सीक्रेट ऐप मैंने फाइंड किया है तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना पड़ेगा। सेंसिटिविटी सेटिंग को सेट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग का क्या काम होता है और वो किस तरीके से वर्क करती है। सेंसिटिविटी सेटिंग में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है, जैसे कि जनरल सेटिंग, रेड डॉट, 2x, 4x, स्नाइपर स्कोप और फ्री लॉक। अब ये वाली सेटिंग कब और कैसे काम करती है तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग किस तरीके से वर्क करती है। हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी सेटिंग का। इससे पहले आपको कंट्रोल सेटिंग में जाकर के फ्री लुक वाली सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ऑन कर दोगे और गेम के अंदर जाओगे तो आप लोग देखोगे कि आपके सामने ना एक आंख बनकर के आ रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसको बड़ा कर दिया है और मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अब इस आंख पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि आपका एनिमी किस साइड से आ रहा है। मान लीजिए आप सीधा भाग रहे हैं और आपको चेक करना है कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, तो आप लोग आंख पर क्लिक करके अपने कैमरा एंगल को पीछे घुमा सकते हैं और वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है। इसकी ही सेंसिटिविटी सेटिंग को फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग बोलते हैं। अब आप लोग इसको जितना हाई रखेंगे कैमरा एंगल उतना फास्ट काम करेगा और जितना लो रखेंगे कैमरा एंगल उतना धीरे धीरे काम करेगा। तो फ्री लुक वाली सेटिंग आपके लिए इस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद आता है अगली सेटिंग जो की होती है स्नाइपर स्कोप। ये वाली सेटिंग केवल और केवल स्नाइपर प्लेयर्स के लिए है, जो लोग AWM M2B वगैरह चलाते हैं उनकी सेंसिटिविटी सेटिंग को कंट्रोल करती है। मैंने देखिए यहाँ पर 0 इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग को रखा हुआ है और आप देख सकते हो कि कितना धीरे धीरे वर्क कर रहा है। आप लोग प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूँ। और अब मैंने इसको 100 कर दिया है तो कितना फास्ट मूव करने लगा है लेफ्ट और राइट साइड में। इसकी जो परफेक्ट सेटिंग होगी वो आप लोग 10 से 15 के बीच में रखिए, क्योंकि अगर ज्यादा मूव करेगा तो आपके हेड कनेक्ट नहीं होंगे। मैं तो इसको 10 से 15 के बीच में ही मेंटेन करके रखता हूँ। अब आपके ऊपर है आप लोग इसको कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको अगली सेटिंग मिलती है, वो मिलती है 4x स्कोप। 4x स्कोप आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। आप लोग जब इसको लेफ्ट और राइट साइड में घुमाते हो तो उसकी सेटिंग को 4x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग कंट्रोल करती है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। उसके बाद आता है 2x स्कोप। 2x स्कोप को भी आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग को कंट्रोल करता है। आप लोग अगर इसको लेफ्ट राइट साइड में घुमाओगे तो इसको कैमरा एंगल कितना फास्ट घूमेगा वो डिसाइड करेगा 2x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग। उसके बाद आपको मिलता है रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग। अगर आपकी गन में कोई भी स्कोप नहीं है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, इस तरीके का अगर आप लोगों को कुछ देखने के लिए मिल रहा है तो उसे हम रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग बोलते हैं। रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोगों की बिना विदाउट स्कोप वाली गन में वर्क करती है। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग। जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग आपके कैमरा एंगल, आपके वन टैप हेडशॉट, आपकी ग्लू वॉल की स्पीड, आपकी मूवमेंट स्पीड, यानी कि पूरे तरीके से गेम को कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो कि जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को जैसे ही मैंने 0 कर दिया था तो आप लोग यहाँ पर कैमरा एंगल देख सकते हो कि कितना धीरे धीरे घूम रहा है, मतलब बहुत ज्यादा धीरे धीरे घूम रहा है। आप लोग प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब यहीं पर आप लोग देखिए कि मैंने इसको 100 कर दिया तो कितना फास्ट मूव करने लगा है। तो जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग इस तरीके से वर्क करती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के लिए अलग अलग डिवाइस के लिए मैं अलग अलग सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊंगा, तो आप लोगों के पास में, सभी लोगों के पास में अलग अलग डिवाइस होगा, सभी के पास में सेम डिवाइस नहीं होते हैं, तो मैं सभी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बना सकता हूं। और अगर मैं एक वीडियो बताऊंगा सभी को अलग अलग तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने एक सीक्रेट ऐप फाइंड किया है जिसका नाम है ओनली रेड सेटिंग्स ऐप। इसको आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप लोग इसको एंटर करेंगे ना। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी के नाम देखने के लिए मिलेंगे कि आपका रेडमी का मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है, साउमी का मोबाइल है, सैमसंग का फोन है, मतलब जिस भी कंपनी का आपका फोन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपका रेडमी का फोन है तो आप लोग रेडमी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे मॉडल देखने के लिए। अब आपको यहाँ पर अपना मॉडल फाइंड करना है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग ऊपर लिख करके सर्च भी कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे, जैसे कि मेरा रेडमी 8 फोन है तो मैंने रेडमी 8 फोन पर क्लिक किया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग पता लग गई है, साथ में फायर बटन साइज भी पता लग गई है, और मुझे क्या DPI सेटिंग रखनी है वो भी पता लग गया है। मतलब ये वाला एप्लीकेशन अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग सेटिंग रिकमेंड करता है, जो कि हेडशॉट के लिए बहुत मदद करता है। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो फ्री फायर की अगली सेटिंग है वो कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग को देखने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, पूरा डिटेल में बताया है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड।